नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। लोकसभा चुनावों से पहले भाजयुमो की युवा संकल्प बाइक रैली का आयोजन शनिवार को धूमधाम से किया गया। भाजपा के चुनाव अभियान के तहत निकाली गई बाइक महारैली शहरी क्षेत्र के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 11 बजे अलग अलग स्थानों से आरंभ हुई और इनका समापन फूलबाग पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के पास हुआ। इस दौरान यहां तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण देश में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि संकल्प से लेकर सिद्धि तक, आज भारतवर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवा विजय रैली, विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में आज ग्वालियर में तीनों विधानसभाओं की रैली है, अभी पूरब की भी आने वाली है, और इस रैली के माध्यम से हम आज इस देश के सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। इस रैली से हम सैनिकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम कल आए पाकिस्तान से, हमारे अभिनंदन, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और इस संकल्प के साथ कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता इस संकल्प को लेकर चल रहा है। और आज हम बड़े प्रसन्न हैं और पूरा देश प्रसन्न है, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देकर सेना को जो फ्री हैंड दिया, आज तक कभी नहीं इतिहास में हुआ, सेना को जो फ्री हैंड दिया, उसी का कारण था कि हिंदुस्तान के हवाई जहाज पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर दूर जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनको समूल नष्ट करते हैं। एक भी पाकिस्तान का नागरिक उसमें नहीं मरता है। ये हिंदुस्तान की अपने आप में बहुत बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि आज हम अगर सैटेलाइट के क्षेत्र में देखें तो हिंदुस्तान अग्रणी बन चुका है। 130 सैटेलाइट एक दिन में छोड़ी गई, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इसी का परिणाम है कि हमने पाकिस्तान में चुन चुन कर आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त किया। पुलवामा हमले की कार्रवाई के बाद भारतीय एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान द्वारा भारत में की गई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को उड़ाकर पाक सीमा में पहुंचे बहादुर एयरफोर्स पायलट अभिनंदन की भारत वापसी पर देश भर में तो खुशी का माहौल रहा ही, साथ ही ग्वालियर के लोगों ने भी अपने अपने तरीके से अभिनंदन की रिहाई पर खुशी मनाई और फूलबाग चौराहे पर ढोल नगाड़े बजाकर एवं आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए, मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम देखा हो या भारत को स्वतंत्र होते देखा हो, लेकिन आज जो अभी हमारे अभिनंदन जी अपने शौर्य का पराक्रम दिखा के पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं, सच में मेरे लिए, देशवासियों के लिए, मेरे उम्र के सारे मेरे भाइयों के लिए आज सच में देश का स्वतंत्रता संग्राम है। अभिनंदन का स्वतंत्र होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही लोगों को पता लगा अभिनंदन जी रिहा हो रहे हैं, अगले 24 घंटे में ही लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दी, जो कि ये बहुत गलत है, राजनीति नहीं करना चाहिए। लोग कह रहे हैं जिनेवा संधि के तहत छोड़ रहे हैं, अगर जिनेवा संधि का हवाला दे ही रहे हैं आप लोग, मेजर कालिया के साथ क्यों नहीं आप जिनेवा संधि का करार करा पाए? 196 और भी युद्ध के हमारे सैनिक हैं, उन्हें क्यों नहीं छोड़ा पाए? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का पराक्रम है, 56 इंची सीने का दम है, जो दो दिन से पाकिस्तान आंखें दिखा रहा था, आज घुटने टेक के नरेंद्र मोदी जी से बात करने को तैयार है। और ये वाकई में हम लोगों के लिए, देश भर के लिए खुशी का माहौल है। आज हम लोग दिवाली मना रहे हैं, दिवाली, ईद, होली, सारे त्यौहार हमारे लिए आज ही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीहोर गांव पहुंचकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए अश्वनी काछी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल ने शहीद के परिजनों से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने शहीद अश्वनी के माता पिता को 1 लाख की सहायता राशि सौंपी। इस दौरान राज्यपाल के साथ स्वामी गिरीशानंद महाराज एवं स्वामी मुक्तानंद महाराज भी मौजूद रहे। गांव के लोगों ने शहीद के परिजनों को गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप देने और शहीद स्मारक बनाने की मांग रखी है।
शनिवार से माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जहां सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर स्कूली छात्र पहुंचने लगे थे। इस बार नकल को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कमरों के भीतर सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहीं कमरे के भीतर जाने से पहले छात्रों की पूरी जाँच की गई और उनके जूते तक बाहर उतरवाए गए। पहले दिन परीक्षार्थियों ने विशिष्ट हिंदी का पर्चा हल किया। यहाँ सभी प्रकार की सोचा बैठने की व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, रूम अच्छे बने हुए हैं, बाहर पुलिस फोर्स लग रही है, किसी प्रकार का कोई भी सामान परेशानी नहीं है। बिल्कुल, हम तीन चार लोग, दो लेडीज दो जेंट्स बाहर निकाल लगाते हैं, पहले गेट पर सर्च लेते हैं, फिर यहाँ दूसरे गेट पर लेते हैं, फिर रूम में लेते हैं, तीन बार सर्च लेते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण परीक्षा, पेपर बट गया समय से, 8:50 पर कॉपी बांट दी थी, 8:55 पर पेपर बांट दिया और आपने देख ही लिया होगा स्वयं, कोई शांति है। शहर में पहले प्रोजेक्ट उदय के तहत पानी की लाइन डल चुकी है। अब अमृत योजना में कई जगह उसी क्षेत्र में पानी की लाइन डाल दी गई है, तो मैं खुदवाकर देखूंगा। यह निर्देश विधायक प्रवीण पाठक ने नगर निगम के अफसरों को दिए। वे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के संबंध में नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने यहां कहा कि नगर निगम में भवन निर्माण की परमिशन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। यदि मुझे शिकायत मिली कि परमिशन की फाइल बिना किसी कारण के रोकी या फिर वापस की गई है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। ग्वालियर को हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, जम्मू सहित 8 नई उड़ानों की सौगात मिली है। नई फ्लाइट 15 अप्रैल से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। इसके बाद ग्वालियर देश के अन्य बड़े शहरों से हवाई मार्ग से सीधे जुड़ जाएगा। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में शहर को इन नई उड़ानों की सौगात मिली। इसके बाद ग्वालियर शहर हैदराबाद, जम्मू, बेंगलुरु, कोलकाता से जुड़ जाएगा। इसके अलावा स्पाइस जेट ने भोपाल उदयपुर उड़ान की भी शुरुआत की। इसे मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए 12 नई फ्लाइट की घोषणा की गई। फ्लाइट सेवा 15 अप्रैल से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि एवं स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में परंपरा के तहत फ्लाइट का पहला बोर्डिंग पास केंद्रीय मंत्री तोमर को दिया गया। तोमर ग्वालियर से जम्मू जाने वाली पहली फ्लाइट के पहले पैसेंजर होंगे। उनके अलावा ग्वालियर के महापौर को भी बोर्डिंग पास दिया। आज ग्वालियर के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि यहाँ पर स्पाइस जेट के चेयरमैन श्रीमान अजय सिंह जी का आगमन हुआ और उन्होंने ग्वालियर को एयर कनेक्टिविटी देने का बहुत कार्यक्रम किया। आज ग्वालियर में जो उद्घोषणा हुई है उसके अंतर्गत ग्वालियर से जम्मू, ग्वालियर से हैदराबाद, ग्वालियर से बेंगलोर और ग्वालियर से कलकत्ता, ये पूरा सप्ताह भर प्रतिदिन फ्लाइट चलेगी। इस एयर कनेक्टिविटी का लाभ ग्वालियर को होगा, ग्वालियर की जनता को होगा और ग्वालियर के व्यापार को होगा। मैं इस घोषणा के लिए मैं अजय सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और ग्वालियर को एक बड़ी एयर कनेक्टिविटी देने का निर्णय किया। आप सबको मालूम है कि पुलवामा मैं आतंकवादी हमले के बाद सरकार बहुत गंभीर थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दिया था। जो ऑपरेशन हुआ वो भी सक्सेसफुल रहा। इसी बीच में एक हमारे पायलट श्रीमान अभिनंदन जी जो पाकिस्तान पहुंच गए थे, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को सौंपने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जेनेवा संधि के अनुसार हुआ है और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की यह बड़ी कूटनीतिक सफलता है। ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को मोती महल स्थित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर औचक निरीक्षण कर यहां अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस देने की बात कही है।
दरअसल प्रशासन के सीएमएचओ कार्यालय में लगातार अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिस पर एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर जब यहां जायजा लेने पहुंचे तो कई कर्मचारी अपने काम से गैर हाजिर मिले, जिस पर उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी की कॉपी जमा कर ली है और उसके आधार पर जो लोग काम से नदारद रहे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं है, चूंकि यहाँ कार्यालय के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी कलेक्टर महोदय को कुछ अनियमितताओं और अब मतलब अनुपस्थिति के संबंध में, तो उस बाबत मुझे भेजा गया यहाँ पे और हम लोग जांच कर रहे हैं यहाँ पे भी। क्या आपने यहाँ पर पाया क्या? नहीं, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है यहाँ पे, तो उसका हमने प्रिंट अभी बुलाया है, प्रिंट निकलवा रहे हैं, उससे फिर चेक करेंगे कि क्या मतलब कौन आया कौन अनुपस्थित है। किस तरह की अनियमितता की जानकारी मिली? नहीं, यही कि कर्मचारी समय पे आते नहीं है, गायब रहते हैं सीटों से, इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। अब जो भी हमारे सिविल सर्विसेज के रूल्स हैं, अगर वो कोई कर्मचारी बगैर बताए हुए अनुपस्थित रहता है तो उसके वो मतलब कार्रवाई करेंगे, नोटिस दिए जाएंगे, अटेंड उसकी तनख्वाह कटती है उस दिन की। लगभग अभी कितने कर्मचारी नहीं आए हैं? बायोमेट्रिक का प्रिंट के बाद ही पता पड़ पाएगा। अब हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।